सो व्हाट आर द वंडर लिक्विड डिस्कस करने के बाद अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कि भाई जब मैटर की कोई भी स्टेट चेंज होती है कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होता है या लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज होता है तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट जो है टेम्परेचर का उस पर पड़ता है कैसे पड़ता है हम पढ़ेंगे तो पहले हम पढ़ेंगे मेल्टिंग मेल्टिंग से क्या मतलब है हमारे यहाँ पे मेल्टिंग मैंने अब यहाँ पर लिखा है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड सॉलिड टू लिक्विड एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग के भाई कोई भी क्या था सॉलिड था सॉलिड क्या हुआ एक फिक्स टेम्परेचर पर आकर क्या होगा सॉलिड गेट चेंज इनटू द लिक्विड जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है मेल्टिंग का प्रोसेस हो रहा है वहां पर क्या होगा ये मेल्टिंग है एक जनरल सी बात है आप जनरल अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आपको पता होता है कि मेल्टिंग क्या है हम कहते हैं जब कोई बर्फ होती है आइस होती है तो मेल्ट हो जाती है हम यही कहते हैं कि मेल्ट हो गई है तो क्या मतलब है? कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज हो गया एक फिक्स टेम्परेचर पर इसका मतलब क्या है वो मेल्टिंग है तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं यहाँ पर मेल्टिंग कि भाई ये मेल्टिंग होती है अब अगर अगर हम बात करें कॉजेस ऑफ मेल्टिंग कि नॉर्मल चीज तो हमें पता है कि मेल्टिंग कहते हैं किसे लेकिन मेल्टिंग होती कैसे है वो हम डिस्कस करेंगे कि भाई मैंने अब ये बता दिया है कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीजेस मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है अब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हद से ज्यादा होता है जिसकी वजह से पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं क्लोज पैकिंग होती है लेकिन जैसे काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो जो पार्टिकल्स थे उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया और इस कंडीशन में क्या हुआ कि सॉलिड गेट चेंज इनटू द लिक्विड वहां क्या हुआ मेल्टिंग का प्रोसेस हुआ कि सॉलिड चेंज हो गया लिक्विड में तो इस तरीके से मेल्टिंग यहाँ पर कॉज हो गई ठीक है अब हम मैंने एक चीज अब यहाँ पर लिखी है कि ऑन हीटिंग द क्लोज पैकेजिंग इज चेंज इनटू लूज पैकेजिंग ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन कैसे भाई कि मैंने अब ये मैंने आपको बताया कि मैंने आपको यही तो आपसे मुझे बताया कि सॉलिड से लिक्विड मतलब मेल्टिंग हुई कैसे वो भी मैंने आपको बताया लेकिन मैं ये भी तो कह सकती हूँ दूसरे वर्ड्स में कि भाई क्लोज पैकेजिंग सॉलिड में क्लोज पैकेजिंग थी वो चेंज हुआ लिक्विड में लूज पैकेजिंग थी तो क्या हुआ कि जब मैंने उसको हीट अप्लाई किया जब मैंने उसको हीट किया मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या हुआ क्लोज पैकेजिंग गेट चेंज इनटू द लूज पैकेजिंग एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज फ्यूजन कि मैं मेल्टिंग को फ्यूजन एज अ फ्यूजन भी कंसीडर कर सकती हूँ क्योंकि वहां पर क्या हुआ था जो वहां पर ये जो क्लोज पैकेजिंग थी वो चेंज हो गई थी लूज पैकेजिंग में तो हम इसे क्या कह सकते हैं फ्यूजन भी कह सकते हैं अब मैंने इसके बाद आपके यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस मेल्ट वो टेम्परेचर जहां पर सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए एंड चेंज इनटू लिक्विड और लिक्विड में चेंज हो जाए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्या है कि भाई मैंने कह दिया कि एक वो टेम्परेचर जहां पर कोई सॉलिड गेट चेंज इनटू द लिक्विड सॉलिड चेंज हो जाए लिक्विड में मेल्टिंग का प्रोसेस हो रहा है वहां पे तो वो क्या है मेल्टिंग पॉइंट कि भाई उस पॉइंट पर आकर जो हमारा सॉलिड सब्सटेंस था वो चेंज हो गया लिक्विड सब्सटेंस में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तो उसे क्या कहा है हमने यहां पर दिस इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ठीक है अब मेल्टिंग पॉइंट आपको पता चल गया इसके बाद हम बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट कि भाई जो मेल्टिंग पॉइंट हमें पता होता है तो हम उसे क्या क्या चेक कर सकते हैं उससे हमें क्या फायदा सिग्निफिकेंट उसका क्या है यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर लिखा है टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि मैं मेल्टिंग पॉइंट के द्वारा मेल्टिंग पॉइंट की हेल्प से मैं उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है वो पता कर सकती हूँ कि भाई जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा है या कम है कैसे कि मैंने लिखा हायर द मेल्टिंग पॉइंट अगर किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है स्ट्रॉन्गर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि भाई अब कोई भी चीज दे दी हमें ठीक है अब मुझे उस पता चल गया कि भाई उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से तो मैं ऑटोमेटिकली समझ जाऊंगी कि भाई मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने से मतलब है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है तो मैंने उसकी क्या हुआ स्ट्रेंथ मैंने जान ली कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या कम है उसके मेल्टिंग पॉइंट से सेकंड है यहां पे टू चेक द प्योरिटी मैं किसी भी चीज की प्योरिटी को चेंज कर उसको समझ सकती हूँ कि प्योरिटी है क्या कैसे कि क्योंकि हम जानते हैं कोई भी प्योर सब्सटेंस है अगर तो उसकी जो प्योरिटी है वो प्योरिटी बिल्कुल प्योर होता है उसकी प्योरिटी फिक्स रहती है कि प्योर सब्सटेंस हैव कांस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट मैं कह रही हूँ यहाँ पे कांस्टेंट
कोई भी अगर प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ प्योर सब्सटेंस की कि क्या होगा भाई। प्योर सब्सटेंस है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स, हम जानते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वैक्स का 63 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। अब क्या है, प्योर वैक्स है उसका उसकी क्या है मेल्टिंग पॉइंट 63 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर 63 डिग्री सेल्सियस से कम वहां पर मेल्टिंग पॉइंट है तो मैं समझ जाऊंगी कि भाई उस प्योर सब्सटेंस में कुछ इंप्योरिटीज भी मौजूद हैं। इंप्योरिटीज की मौजूदगी की वजह से क्या होगा, उसका जो स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट है, वैक्स का जो अपना मेल्टिंग पॉइंट है, वो फौरन गिर जाएगा, लो हो जाएगा। और जब मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा, उसके प्योर वाला मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहेगा, तो मैं समझ जाऊंगी कि वो इम्प्योर चीज है, वहां पर इंप्योरिटीज मिक्स है। तो हमें मुझे पता चल गया कि भाई मैं क्या चेक कर सकती हूँ मेल्टिंग पॉइंट से, उसकी प्योरिटी को मैं यहाँ पर चेक कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मेल्टिंग का जो प्रोसेस था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मैंने आपको बताया कि मेल्टिंग किसे कहते हैं, ये सॉलिड चेंज हो गया लिक्विड में, तो मेल्टिंग था। मेल्टिंग हुई कैसे, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया और कम होने की वजह से वहां मेल्टिंग हो गई। और उस प्रोसेस को मैं फ्यूजन भी कंसिडर करते हैं, उसके बाद मैंने सिग्निफिकेंस बता दिया। तो हर एक चीज की, हर एक कंपाउंड की, हर एक सब्सटेंस की अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक वो बनाया है बॉक्स, यहाँ पे मैंने आपको टेबल दिया है बना के, तो उसमें लिखा हुआ जैसे आइस है, तो आइस की मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। भाई तो हम जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस है। सोडियम Na जैसे हम डिनोट करते हैं, इसका क्या है 97 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से मैंने बताया सल्फर है 190 डिग्री सेल्सियस। लेड जैसे हम Pb से डिनोट करते हैं, उसे है 327 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है जिंक Zn, जिसे हम 420 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट। और लास्ट है आयरन, मतलब Fe, जिसका होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। ये सब क्या है, इसके अपने मेल्टिंग पॉइंट है। अगर मैं कोई भी चीज इसमें से ले लेती हूँ और मैं चेक करूँ कि भाई अगर मान लो सोडियम का 97 डिग्री सेल्सियस है और मेरे पास सोडियम है और उसमें से मैंने क्या करा, मेल्टिंग पॉइंट मैंने देखा तो 97 डिग्री है ही नहीं, 97 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम आ रहा है, तो मैं समझ जाऊंगी कि उसमें इंप्योरिटीज की मौजूदगी है, वो इम्प्योर है। तो मुझे मेल्टिंग पॉइंट से पता चल गया कि वो जो सब्सटेंस है वो प्योर है। तो अब हम मेल्टिंग को डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं कि बॉइलिंग पर, कि बॉइलिंग का सिग्निफिकेंस क्या होता है, या फिर बॉइलिंग होती कैसे है, या फिर बॉइलिंग कहते किसे हैं। तो अब हम आते हैं बॉइलिंग पे। मैंने यहाँ पर लिखा है द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू द वेपर स्टेट, मतलब कि लिक्विड स्टेट का वेपर स्टेट में या गैस स्टेट में चेंज हो जाना रैपिडली एक हीट करने पर फिक्स टेम्परेचर पे, वो बॉइलिंग कहलाता है। बॉइलिंग जनरली हमें अपनी नॉर्मल लाइफ में ही बताया कि हम कहते हैं कुछ चीज बॉइल हो रही है या बॉइलिंग हो रही है तो हम कहते हैं, लेकिन जनरली सिग्निफिकेंस जो है उसका वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन बॉइलिंग क्या है, इससे पहले मैंने आपको बता चुकी हूँ कि बॉइलिंग क्या है, कि द चेंज ऑफ द लिक्विड इनटू द गैसेस स्टेट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, दिस प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग। के भाई ये चीज बॉइलिंग कहलाती है, जब कोई भी लिक्विड गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नोट लिया द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर, वो टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमोस्फेरिक प्रेशर के, वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। मैंने कहा वेपर प्रेशर इक्वल हो गया किसके, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। आपको बताइए एटमोस्फेयर है, एयर है, वो हम पे कोई ना कोई प्रेशर हम पे एक्सर्ट कर रही है। तो अगर वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का वो हमारे एटमोस्फेरिक प्रेशर के अगर इक्वल हो जाता है, दोनों चीजें आपस में इक्वल हो जाती है, इसका मतलब क्या है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। या फिर मैं इन अदर वर्ड्स में ये भी कह सकती हूँ कि भाई द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस स्टार्ट्स बॉइलिंग, कि वो टेम्परेचर जहां पर कोई भी सब्सटेंस बॉइल होना स्टार्ट हो जाए, या फिर वो टेम्परेचर जहां पर वेपराइजेशन होना स्टार्ट हो जाए किसी भी लिक्विड का, वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। किसी भी कोई लिक्विड लिया, मैंने हीट अप्लाई की, टेम्परेचर बढ़ गया, तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होगा, जो वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स मुझे दिखने लगेगा, स्टीम मुझे दिखने लगेगी, तो वो क्या है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, जिस टेम्परेचर पे वेपराइजेशन का प्रोसेस वहां पर हुआ, ठीक है। इसके बाद आता है कॉज ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग होती कैसे है। मैं पहले से मुझे एक बात बताया, जनरली कि जो लिक्विड होता है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन पे थोड़ा कम होता है, तो जाहिर सी बात है कि पार्टिकल्स भी मूव ही कर रहे होंगे। लेकिन जब मैंने उस पर टेम्परेचर और अप्लाई किया, मैंने उसको हीट किया, तो क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से ज्यादा और भी कम हो गया। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से ज्यादा और भी कम हो गया, तो जो पार्टिकल्स थे वो और ज्यादा फ्रीली मूव करने लगे, और ज्यादा फास्टली मूव करने लगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, जो पार्टिकल्स जब फ्रीली मूव करने लगे, फास्टली मूव करने लगे, तो वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, और हमें इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स हमें दिखाई देने लगते हैं। तो उसका मतलब क्या है, वहां पर बॉइलिंग हुई है, वहां पर बॉइलिंग का प्रोसेस हुआ है। इसी तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर
कॉज हुई बॉइलिंग के भाई बॉइलिंग ऐसे हुई है, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा कम होने की वजह से क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बहुत ज्यादा कम हो गया तो पार्टिकल्स एकदम अलग अलग हो गए जो और ज्यादा फास्टली मूव करने लगे और द लिक्विड स्टेट गेट चेंज इन टू द गैसेस स्टेट, तो क्या हुआ यहाँ पर बॉइलिंग हो गई। अब मैं बात करती हूँ सिग्निफिकेंस क्या है, कि मैंने आपको मेल्टिंग का सिग्निफिकेंस बताया था कि मैं उससे क्या पता कर सकती हूँ, मैंने प्योरिटी चेक कर सकती हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक उसी तरह बॉइलिंग का भी अपने सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने पहले टू नो द काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं क्या पता कर सकती हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है उसका, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या कम है, मैं किससे पता कर सकती हूँ, बॉइलिंग पॉइंट से पता कर सकती हूँ, क्योंकि अगर हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, मैंने कहा हायर, अगर बॉइलिंग पॉइंट हायर है तो उसका मतलब क्या है, तो हायर क्या होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उसकी हायर होगी। कोई चीज थी तो मैंने देखा भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा है, अब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो मैं ऑटोमेटिकली समझ जाऊंगी कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है टू चेक द प्योरिटी, मैं प्योरिटी भी जैसे मेल्टिंग के थ्रू मैं प्योरिटी चेक कर सकती थी किसी सब्सटेंस की, सेम उसी तरह से मैं बॉइलिंग की मदद से भी प्योरिटी चेक कर सकती हूँ कि भाई कि हम कैसे, हम अगर बॉइलिंग पॉइंट जान लेते हैं तो हम उसकी क्या कर सकते हैं, हम उसकी प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। अब कैसे चेक कर सकते हैं कि भाई कोई बॉइलिंग पॉइंट है, अब बॉइलिंग पॉइंट हर किसी का अपना एक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट उससे कम है या स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट उसका अपना नहीं है तो मैं फौरन समझ जाऊंगी तो क्या है कि भाई उसका जो प्योरिटी है वो इम्प्योर चीज है, उसमें इम्प्योरिटीज की मौजूदगी है। थर्ड है नेचर ऑफ लिक्विड, के लिक्विड का नेचर कैसा है, लिक्विड की नेचर से मतलब है कि वॉलेटाइल नेचर है या फिर कम है, वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि कम से कम टेम्परेचर पे अगर कोई चीज फास्टली एवोपरेट हो जाती है तो उसकी मतलब क्या है, वॉलेटाइल इन नेचर है, फास्टली एवोपरेट हो जाना तो वॉलेटाइल नेचर है। तो मैं क्या कह रही हूँ, अगर बॉइलिंग पॉइंट लोअर है, मैंने क्या कहा, अब हम फ्रीजिंग और कंडेंसेशन को डिस्कस करेंगे, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम कि मेल्टिंग और बॉइलिंग का प्रोसेस कैसे होता है, कि वो कॉज कैसे होती है, उसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है, लेकिन अब हम उसके बाद आते हैं कंडेंसेशन पे कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते कैसे है और वो होता कैसे है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है द प्रोसेस इन विच अ गैसियस स्टेट इन कन्वर्टेड इन टू द लिक्विड स्टेट। वैसे जनरली हम ये पढ़ते हैं कि सॉलिड गेट चेंज इन टू द लिक्विड एंड लिक्विड देन चेंज इन टू द गैसियस स्टेट, ये नॉर्मल है, लेकिन ऐसा भी होता है कि जो गैसियस स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाती है, रिवर्स हो जाती है लिक्विड स्टेट में, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि द प्रोसेस इन विच अ गैसियस स्टेट कन्वर्ट हो गई लिक्विड स्टेट में उसके टेम्परेचर को लोअर करने से, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो ठीक है, आपको कंडेंसेशन समझ में आ गया। अब मैं ये कह रही हूँ कंडेंसेशन रिवर्स प्रोसेस है, किसका, कंडेंसेशन इज द रिवर्स फिनोमेना ऑफ द वेपराइजेशन, क्योंकि वेपराइजेशन के लिए हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, लेकिन कंडेंसेशन के प्रोसेस के लिए हमें टेम्परेचर को लोअर करना पड़ता है। दोनों ही बातों में डिफरेंस है, क्योंकि जब कंडेंसेशन का प्रोसेस मैं कर रही हूँ तो वहां पर कन्वर्ट हो रहा है गैसेस स्टेट इन टू द लिक्विड स्टेट टेम्परेचर डाउन करने से, लेकिन जब मैंने वेपराइजेशन का प्रोसेस किया तो मुझे वहां पर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। तो इसलिए मैंने कहा है कि द कंडेंसेशन इज द रिवर्स प्रोसेस। कंडेंसेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है किसका, वेपराइजेशन का, क्योंकि वेपराइजेशन के लिए हमें टेम्परेचर को हाई करना पड़ता है और कंडेंसेशन के लिए हमें टेम्परेचर को लोअर करना पड़ता है। अब उसके बाद आती है टर्म फ्रीजिंग। फ्रीजिंग हम पढ़ेंगे कि जनरली हम डेली लाइफ में हम क्या करते हैं कि वाटर होता है, वाटर को हम जब फ्रीजर में रख देते हैं या फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होता है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जनरली हमें इतना नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में पता है कि फ्रीजिंग हो रही है वहां पे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि फ्रीजिंग का मीन है क्या आखिर। तो मैंने लिखा फ्रीजिंग मीन्स द चेंज ऑफ द लिक्विड स्टेट इनटू द सॉलिड स्टेट, कि भाई कोई भी लिक्विड का कन्वर्ट हो जाना सॉलिड स्टेट में फ्रीजिंग कहलाता है। कैसे, जैसे जैसे किसी भी चीज को आपने कैप कर दिया, रख दिया आपने फ्रिज में, जैसे जैसे टेम्परेचर कंटिन्यूअसली डाउन होता रहेगा वैसे वैसे जो हमारा लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉलिड स्टेट में, किसमें चेंज हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में। और इसे ही हम कहते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग, कि क्या हुआ भाई कि चेंज द लिक्विड गेट चेंज इनटू द सॉलिड स्टेट बाय द लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, कि भाई इतना टेम्परेचर डाउन हो गया हद से ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, जो लिक्विड था हमारा चेंज हो गया सॉलिड स्टेट में। अब मैंने नोट करके यहाँ लिखा है द वाटर फ्रीजेस एट, हम जनरली हमारा एक हर चीज का मेल्टिंग पॉइंट होता है, हर चीज का मैंने बॉइलिंग पॉइंट भी आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन एक फ्रीजिंग पॉइंट भी तो होता है। तो जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है कि
इस पॉइंट पर आकर वाटर फ्रीज हो जाएगा, वो क्या है 2273 केल्विन। और अगर सेल्सियस की बात करूं तो 0 डिग्री सेल्सियस कि भाई इस टेम्परेचर पर और इस केल्विन पर और इस 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, वाटर जो है वो फ्रीज हो जाएगा। तो क्या है, वाटर फ्रीजेस एट 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये वाली बात रही। अब मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा था टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट कन्वर्टेड। अब मैंने फ्रीजिंग पॉइंट तो आपको बता दिया, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट है क्या? तो फ्रीजिंग पॉइंट से क्या मतलब है कि वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड गेट चेंज इनटू द सॉलिड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। कि भाई कोई भी वो टेम्परेचर जहां पर हमारा जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या कहलाता है, वो कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट, इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। तो भाई एक बात थी, हमने ये पढ़ा कि सॉलिड को अगर हम मेल्ट कर देते हैं तो लिक्विड बन जाता है, लेकिन अगर लिक्विड को हम फ्रीज कर दें तो वो सॉलिड बन जाता है। दोनों ही रिवर्स प्रोसेस है कि भाई सॉलिड था, सॉलिड को हमने मेल्ट किया तो लिक्विड बन गया, और लिक्विड को हमने फ्रीज किया तो सॉलिड बन गया। अब नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन। जनरली हमने क्या पढ़ा है कि कोई स्टेट सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बनती है, लिक्विड से गैसेस स्टेट बनती है। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाए गैसेस स्टेट में और गैसेस स्टेट डायरेक्टली चेंज हो जाए सॉलिड में? कभी सोचा है कि हाँ इट इज पॉसिबल कि ये हो सकता है? कैसे? सब्लिमेशन के प्रोसेस से। अब मैं बताऊंगी आपको सब्लिमेशन कैसे कैसे है कि द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड, मैं बात कर रही हूं मैं सॉलिड की, कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस स्टेट, कि जो मेरा सॉलिड था, हमारा सॉलिड था हमारे पास, वो क्या हुआ डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया गैसेस स्टेट में हीट करने पर। जब मैंने हीट करके उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया और इतना बढ़ा दिया कि जो हमारा सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर डायरेक्टली किस में चेंज हो गया, गैसियस स्टेट में। और ऐसा अपोजिट वे में भी हो सकता है, कैसे कि भाई जब मेरे पास क्या था, गैसियस स्टेट थी, गैसियस स्टेट डायरेक्टली कन्वर्ट हो गई सॉलिड स्टेट में, कैसे कूल करने पर, कि मैंने टेम्परेचर को इतना डाउन कर दिया, इतना लोअर कर दिया टेम्परेचर, तो क्या हुआ कि जो हमारा कूलिंग पे क्या हुआ कि डायरेक्टली चेंज हो गया किस में, सॉलिड स्टेट में। तो भाई वो प्रोसेस जिसमें जो वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड गेट डायरेक्टली गेट चेंज इनटू द गैसेस स्टेट और द गैसेस स्टेट डायरेक्टली चेंज इनटू द सॉलिड स्टेट विदाउट इन अ लिक्विड स्टेट, वो क्या कहला रहा है, वो प्रोसेस वो सब्लिमेशन कहलाता है। अब हम एग्जांपल की बात करते हैं किस तरीके से सब्लिमेशन होता है, किन चीजों के साथ सब्लिमेशन होता है। तो मैंने यहां लिखा है व्हेन द कैम्फर या नेप्थिलीन बॉल्स, के बारे में आपने जनरली अपने घर में देखा होगा कि जब कैम्फर या नेप्थिलीन बॉल्स होती हैं, जब हम उन्हें क्या करते हैं, जब हम किसी भी खुली प्लेस पर उसे रख देते हैं या छोड़ देते हैं, वो डिसअपीयर हो जाते हैं। क्यों ऐसा, क्या होता है, आपने नेप्थिलीन बॉल्स आपने क्लॉथ में या फिर जो गर्म कपड़े होते हैं उनमें अक्सर हम रख देते हैं, क्यों रखते हैं, और जब हम उन्हें बाद में निकाल कर देखते हैं तो वो नेप्थिलीन बॉल्स वहां होती ही नहीं है। तो कभी सोचा है कि ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे वो सडनली गायब हो गई है? तो वो किस प्रोसेस से, वो सब्लिमेशन का प्रोसेस था, कि उसमें क्या हुआ कि उनके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि जब वो नेप्थिलीन बॉल्स सॉलिड स्टेट में है, वो सॉलिड स्टेट में डायरेक्टली गेट चेंज इनटू द लिक्विड गैसेस स्टेट, कि क्या हुआ सॉलिड जो था डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चेंज हो गया, इसलिए वो डिसअपीयर हो गया और हमें नहीं दिखा। तो ये प्रोसेस क्या था, सब्लिमेशन का प्रोसेस हुआ नेप्थिलीन बॉल के साथ। नेक्स्ट मैंने नोट लिख करके मैंने यहां पर लिखा है कि द सॉलिड व्हिच कैन शो, अब जाहिर सी बात है सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो जो सॉलिड सब्लिमेशन शो करते हैं, जो सब्लिमेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब कि सॉलिड से डायरेक्टली चेंज हो रहे हैं गैसेस स्टेट में, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सब्लिम कहते हैं। ठीक है, अब वो भाई वो सॉलिड जो डायरेक्टली सब्लिमेशन शो कर रहे हैं वो सब्लिम थे, और वो सॉलिड जो बन रहे हैं सब्लिमेशन के प्रोसेस से, मतलब कि पहले गैसेस स्टेट थी, गैसेस स्टेट से डायरेक्टली जब सॉलिड स्टेट बनी, जो सॉलिड से हमें प्रोडक्ट मिला, जो सॉलिड हमें मिला है वो क्या है, दिस इज नोन एज सब्लिमेट। दोनों ही चीज में डिफरेंस है कि जो सॉलिड खुद सब्लिमेशन शो कर रहा है वो था सब्लिम, और जो सब्लिमेशन के प्रोसेस से सॉलिड तैयार हुआ है, जो सब्लिमेशन के प्रोसेस से जो सॉलिड बना है वो किसे क्या, उसे कहते हैं सब्लिमेट। अब मैं एग्जांपल की बात करती हूं, सब्लिमेशन और भी चीजें नेप्थिलीन बॉल या कैम्फर पे आके ही सब्लिमेशन नहीं रुकता है, इसके और भी एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल कैम्फर, ड्राई आइस जिसे हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, तो कैम्फर, ड्राई आइस, मिंट क्रिस्टल्स, आयोडीन क्रिस्टल्स और नेप्थिलीन बॉल्स आर द एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन, कि भाई ये सारी चीजें क्या करती है, सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करती है। कि आई होप कि आपको ये तीनों टर्म समझ में आए होंगे।